Dear student, as we seen in the last lecture, the features of shares and the types of shares. In the types of shares, there are two main types of shares, that is equity shares and preference shares. And in the equity shares, there are two types also, the equity shares with voting rights and the second one is differential voting rights. Now in the preference shares, there are several types such as the cumulative, non-cumulative, participating, non-participating, convertible, non-convertible, redeemable and irredeemable. So in this lecture, we are going to see the equity shares. Equity shares are also known as the ordinary shares. Companies Act defines equity shares are those shares which are not preference shares. जो preference shares नहीं हैं वो equity shares है, जो कि सामान्य भाग है, सामान्य shares है company के. The above definition reveals that the equity shares do not enjoy preference for dividend. ऊपर के जो कंसेप्ट है उससे क्या क्या अर्थबोध होता है कि द इक्विटी शेयर्स डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड. डिविडेंड के लिए वो प्रेफरेंस नहीं करता. और दूसरा है द इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर प्रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप द कंपनी. और दूसरा ये है कि जब कंपनी का वाइंडिंग होगा तब इक्विटी शेयर्स को रिपेमेंट मिलने के चांसेस नहीं है या फिर मिलेगा नहीं. ऑन द अदर हैंड प्रेफरेंस शेयर्स को मिल जाएगा. Equity shares are fundamental source of financing business activities. Equity shares क्या है तो एक मुख्य स्रोत है business के finance का, मुख्य स्रोत है. Equity shares holder, equity shareholders own the company and bear ultimate risk associated with the ownership. Definitely अगर आप किसी company के equity shareholder है आप वो कंपनी के ओनर में गिने जाएंगे. आफ्टर पेइंग क्लेम्स ऑफ ऑल इन्वेस्टर्स द रिमेनिंग फंड्स बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रेसिडुअल क्लेमेंट्स ऑफ द इनकम एंड असेट्स. डेफिनेटली अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हैं तो आप क्या है, रेसिडुअल क्लेमेंट्स है. आप कभी भी क्लेम बैठे क्लेमेंट्स है, आप कभी भी क्लेम कर सकते हैं कि भाई तुम्हारे इनकम और असेट्स में हमारा हिस्सा है क्योंकि आप इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं. इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट कैरी एंड फिक्स्ड कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड. हाँ ये भी है कि भाई आपको फिक्स कमिटमेंट नहीं है डिविडेंड इतना ही मिलेगा उतना ही. आपके प्रॉफिट पे निर्भर करता है क्योंकि आप तो कंपनी के ओनर हैं. ओनर को जो भी घाटा आता है तो घाटा, नफा है तो नफा. दे आर पेड डिविडेंड एट द रेट रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रेट रिकमेंड करेंगे उस हिसाब से उनको पे होगा. इफ देर इज़ नो प्रॉफिट देन नो डिविडेंड विल बी पेएबल. सिमिलरली इफ देर इज़ अ लेस प्रॉफिट लेसर डिविडेंड विल बी पेड. दस द फॉर्च्यून ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज टाइड अप विद द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द कंपनी. हाँ तो इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी जो नफा, कंपनी जो नुकसान चल रहा है उस हिसाब से उसको डिविडेंड मिलेगा, उस हिसाब से वो फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी. हाउएवर इक्विटी शेयर होल्डर पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर कंपनी. दे आर इन्वाइटेड टू अटेंड जनरल मीटिंग्स. इक्विटी शेयर होल्डर अब कंपनी के मैनेजमेंट में कैसे इन्वॉल्व रहेगी तो उनको जनरल मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा. दे आर अलाउड टू वोट. उनको वोटिंग के अधिकार है. ऑल मैटर्स में वोटिंग के अधिकार है कि भाई नई नई मशीन लानी है, नई लैंड लेनी है, प्रोडक्ट में कुछ बदलाव है. दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू मैनेज द कंपनी. अभी इक्विटी शेयर होल्डर्स हम बोलते हैं कि ओनर भी है, शेयर होल्डर्स भी है, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव भी भेज सकते हैं कि जाओ भाई आप मेरी ओर से मीटिंग कंपनी की ज्वाइन करो. इक्विटी शेयर होल्डर्स आज द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी. हम दूसरी भाषा में कहने जाएंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स एक प्रकार के कंपनी के ओनर. फीचर्स क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स के, इक्विटी शेयर्स के, तो इक्विटी शेयर्स एक परमानेंट कैपिटल है. डेफिनेटली एक कंपनी खड़ी हो रही है तो कंपनी का जो मेन स्रोत
जो है फाइनेंस का जो मेन स्रोत है वो तो इक्विटी शेयर्स है। अगर मेन स्रोत इक्विटी शेयर्स है तो जो कैपिटल बन रहा है वो तो परमानेंट कैपिटल ही बनेगा। सो इक्विटी शेयर्स आर इरिडीमेबल शेयर्स, जो ना पड़ता हुआ है, रिडीम है, फिर से उसको रिटर्न नहीं मिलेगा। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इक्विटी शेयर इज नॉट रिफंडेबल बाय द कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। वो जब इक्विटी शेयर के लिए हमने पैसे दिए हैं, इक्विटी शेयर लिए है, तो नॉन रिफंडेबल है। जो कंपनी बंद भी हो रही है तब भी उसको वो हमें नहीं मिलेगा। दस इक्विटी शेयर कैपिटल इज लॉन्ग टर्म परमानेंट कैपिटल, इसलिए जो इक्विटी शेयर्स है वो एक लॉन्ग टर्म है परमानेंट कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। अगर आप कंपनी के मालिक हैं, आप कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, तो कंपनी आज बहुत ज़्यादा नफा में है तो आपको बहुत ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। कल जाके कंपनी को लॉस हुआ है तो लॉस में भी आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि आप तो कंपनी के एज अ ओनर शेयर होल्डर है। राइट्स क्या है? तो आपको वोटिंग राइट्स है। इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय द सर्टन राइट्स सच एज द राइट टू वोट्स, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स। अब ये बुक्स इंस्पेक्टिंग क्या है? तो स्टैचुटरी बुक्स ऑफ द कंपनी है जो हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हम शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि हम इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, हम कंपनी के मालिक हैं। सो आई वॉन्ट टू सी द रिकॉर्ड, सी द स्टैचुटरी बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर, रनिंग फाइनेंशियल ईयर, और कोई भी पास्ट फाइनेंशियल ईयर्स, कोई भी फाइनेंशियल ईयर्स हो, हम इक्विटी शेयर्स होल्डर है तो हम देखेंगे, देख सकते हैं, हमारा अधिकार है। राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट्स क्या है? एक तो वोटिंग राइट्स है, दूसरा तो प्रॉफिट में राइट्स है, तीसरा तो बुक हम चेक कर सकते हैं कंपनी के स्टैच्युटरी बुक्स, और एक ट्रांसफर शेयर है कि भाई मैं अगर मैं हूँ तो मेरा शेयर सभी मेरे बेटे को देना चाहता हूँ तो आई कैन। उसके बाद में नो प्रिफरेंशियल राइट्स, प्रिफरेंशियल राइट्स नहीं कि इसको ये देना है, उसको वो देना है, ये सिलेक्टेड राइट्स नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट एंजॉय अ प्रिफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दे आर पेड डिविडेंड ओनली आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रिफरेंस शेयर्स हैज़ बीन पेड। सिमिलरली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड लास्ट। प्रिफरेंसिबल शेयर्स क्या है? तो उनका प्रिफरेंस दिया है कि अब ये हिसाब से इनको देना है तो देना है। इक्विटी शेयर होल्डर्स तो मालिक है, जब कंपनी की वाइंडिंग हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी, तो पहले प्रिफरेंस शेयर वालों को देना पड़ेगा कि इनके ऐसे ऐसे हिसाब से ये हुआ था तो उनको दे दो, फिर जो बचा कुचा है वो फिर आप इक्विटी वालों ले लो। कंट्रोलिंग पावर, डेफिनेटली द कंट्रोल ऑफ अ कंपनी इज वेस्टेड विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स, दे आर ऑफन डिस्क्राइब एज रियल मास्टर्स ऑफ अ कंपनी। डेफिनेटली कि इक्विटी शेयर होल्डर्स रियल मास्टर ऑफ अ कंपनी, इट इज़ बिकॉज दे एंजॉय द एक्सक्लूसिव वोटिंग राइट्स। सो उनको वोटिंग राइट्स है, उनको बहुत सारे स्टैचुटरी बुक्स चेक करने का अधिकार है, तो इस हिसाब से वो कंट्रोलिंग पावर ज़्यादा रखते हैं। रिस्क, इट इक्विटी शेयर होल्डर्स बेयर अ मैक्सिमम रिस्क इन द कंपनी। डेफिनेटली कंपनी के ओनर ही वो है, तो कंपनी अगर कुछ हो जाते हैं, उसका कंपनी का बुरा होता है, बहुत ज़्यादा घाटे में जाती है, तो बड़ा रिस्क रहता है इक्विटी शेयर वालों के ऊपर। रेसिडुअल क्लेमेंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स एज ओनर्स आर रेसिडुअल क्लेमेंट्स टू ऑल अर्निंग्स आफ्टर एक्सपेंसेस टैक्सेस ETC आर पेड। सभी खर्चे, सभी टैक्सेस, सभी जो एक्सपेंसेस है वो देने के बाद में कुछ रहता है, तो रेसिडुअल क्लेमेंट कौन है? तो इक्विटी शेयर होल्डर है, क्योंकि वो ओनर है, वो मांग करेंगे कि हमें चाहिए तो चाहिए, क्योंकि क्योंकि हम तो ओनर्स है। नो चार्ज ऑन असेट्स, द इक्विटी शेयर्स डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ओवर द असेट ऑफ द कंपनी। कोई भी प्रकार के चार्जेस है वो असेट पे नहीं लगा सकते। बोनस इश्यू आर इश्यूड एज अ गिफ्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। बोनस इक्विटी शेयर होल्डर्स को गिफ्ट के स्वरूप में इशू किए जाते हैं। दिस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। हाँ, और ये कभी कभी क्या होता है कि बहुत नफा हो गया तो चलो बोनस के रूप में कुछ शेयर्स है जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को इशू की जाती है। दीज आर इशू आउट एकोमुलेटेड प्रॉफिट्स। हाँ, प्रॉफिट हुआ है, अभी मैंने बताया कि प्रॉफिट हुआ है बहुत सारा, तो
चलो ठीक है, बोनस शेयर्स आर इशूड इन प्रोपोर्शन टू द शेयर होल्ड्स। हाँ, अभी एक कंपनी में 10 शेयर्स है, 10 शेयर्स में जैसे चार चार शेयर्स और 2 शेयर्स ऐसे 3 लोग हैं, तो इस इनके जो प्रपोर्शन है इस हिसाब से उनको जो है वो बोनस के हिसाब इसमें रूप में और शेयर शेयर उनको इशू किया जाएगा। नहीं तो अगर इक्वल देंगे तो इनके साथ अन्याय हो जाएगा कि भैया हमने 2 लोगों ने 4 4 लिए, एक ने 2 लिए हैं, और तीनों को अगर समान आप बोनस दे रहे हैं तो ये तो